हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाइकर नामा के आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्टिवा 6G के यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज हमारे वीडियो में जुड़ रहे हैं मिस्टर सानू, तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे होंडा एक्टिवा 6G के ओनर मिस्टर सानू से। तो कैसे हैं सानू आप? बाइकर नामा में स्वागत है आपका। तो मिस्टर सानू, आपको कितना समय हुआ एक्टिवा 6G लेते हुए? एक्टिवा 6G लेके मुझे अभी ज़्यादा कुछ नहीं, 1.5 महीना हुआ लेके। और इसके पहले मेरे पास एक्टिवा 3G थी, और मैंने एक्टिवा शुरू किया था चलाना आज से कुछ तकरीबन 8 साल पहले से जी। मेरे पास एक्टिवा 1G, मतलब एक्टिवा नॉर्मल, एक्टिवा 2G जो नाम नहीं था, फिर एक्टिवा 3G लॉन्च हुआ। फिर मैंने एक्टिवा 3G लॉन्च 2016 में मैंने उसको ख़रीदा। उसका एक्सपीरियंस मेरे को चार पाँच साल का एक्सपीरियंस है। और अभी मैंने खुद अभी ये एक्टिवा 6G 1.5 महीना हुआ लेके जी। तो आपने अभी सर्विस करा ली है? यस, मैंने अभी आज ही सर्विस करा है इसको। मेरा फर्स्ट सर्विस था आज जी। तो सर्विस करने के बाद आज मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक्टिवा 6G के साथ। ये बहुत अच्छा रहा, मतलब सर्विस बहुत अच्छा उन्होंने किया है, क्योंकि मैंने सब इसका ऑयल, गियर ऑयल सब चेंज कराया आज। और आप इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? अब आप पहले के एक्टिवा देखेंगे, पहले के एक्टिवा के सीट्स सेम थे और 6G का सेम है। बट अभी पहले के एक्टिवा में पेट्रोल अंदर की तरफ था, और अभी 6G में बाहर की तरफ दिया। और इसके आप खामियां देखने जाएंगे ना, जो अपने लेग स्पेस है जी, जो लेग स्पेस जो 3G 4G 5G है ना, सब में सेम दिया है। मतलब 6G में भी लोग ने इंक्रीज नहीं किया। तो मतलब जैसे कि अगर मैं 5'7" हूँ, तो मुझे अगर मैं पैर रखने जाऊँ यहाँ पे, तो मतलब कंफर्टेबल रहेगा या नहीं, इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली देखा जाए तो एक्टिवा नॉर्मली 5.2 से लेके 5.7 और 5.8 तक के हाइट के लोग चला सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो उनको थोड़ा पावर रखने में दिक्कत होगा, क्योंकि उनके लेग्स फिर लंबे हो जाते हैं उस कारण। ओके, और माइलेज के बारे में बात करें तो आप कुछ बताना चाहेंगे? माइलेज एक्टिवा बोलते हैं 60 देती है, 50 देती है। बट आप अभी नया एक्टिवा लेके चलाओगे ना, वो आपको 25-30 ही देगा, क्योंकि वो अभी नया नया इंजन है ना। वो धीरे धीरे उसको चलाते चलाते वो फिर जाके 40-50 के बीच में एवरेज देता है। और कभी भी नया गाड़ी कोई भी हो, एक्टिवा हो कुछ भी हो, हम लोग इकोनॉमी में चला के चलेंगे ना गाड़ी को, तो एवरेज अच्छा देगा स्टार्टिंग में भी, जैसे कि 40 से 60 के किलोमीटर पर के बीच में। yes. तो मिस्टर सानू, अगर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको क्या क्या पसंद है एक्टिवा 6G में, जो पुराने एक्टिवा है उसके कंपैरिजन में? एक्टिवा 6G में आप देखे जाएंगे तो एक्टिवा 3G का ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है। उसमें सेल्फ स्टार्ट बटन यहाँ पे होते थे नीचे, अभी एक्टिवा 6G में यहाँ भी सेल्फ स्टार्ट बटन ये लोग ने यहाँ पे दिया है। इनमें आप ऑन ऑफ कर सकते हो बाइक की तरह, जैसे बाइक्स में रहते हैं ना, जैसे किल स्विच जैसा रहता है वैसा। और इसमें इसमें पासिंग भी दिया है, लेफ्ट साइड में पासिंग दिया है, यदि आप ओवरटेक करते हो इसके लिए पासिंग भी दिया है। बाकी 3G में पासिंग नहीं दिया था, तो ये आपके लिए नया बेनिफिट है इस 6G के साथ। और सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो सस्पेंशन आप देखे जाएंगे तो अभी ये पहले हाइड्रोलिक होते थे, जो जितने भी एक्टिवा थे 1, 2, 3G जो भी, अभी ये टेलीस्कोप दिया, एकदम पूरा ये स्ट्रांग दिया, ये बहुत अच्छे। तो स्मूदर राइडिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, ये गड्ढों के लिए, ऑब्स्टेकल्स के लिए बहुत अच्छा है जी। और अब देखना जाएंगे पीछे के सस्पेंशन के लिए, इसमें भी आपको एडजस्टेबल दिया है, 3 स्टेप एडजस्टेबल है। ये अभी हम लोग ने टॉप पे रखा है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो 1, 2, 3 के हिसाब से, जो आपको सस्पेंशन बहुत अच्छे देंगे। जैसे कि सॉफ्ट, रिजिड या स्टैंडर्ड आप रखना चाहो तो वैसा। लोग डबल सीट चलाते हैं तो गड्ढों में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो सस्पेंशन को, किस हिसाब से आपको मेंटेन रखना है। ओके, और फ्यूल कैप के बारे में बात करें, फ्यूल कैप तो बहुत अच्छा दिया है, कि जो इसके बटन्स आगे दिए हैं, यदि हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं डबल सीट, तो पीछे वालों हम सबको उतरना पड़ता था, अभी ये डायरेक्ट जुपिटर की तरह दिया है। जुपिटर में भी आप देखे होंगे जो पीछे की तरफ रहता था, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट बटन्स दिया है, यहाँ पे हमको ऑफ करके यहाँ पे पेट्रोल का दबाना है, बस ये खुल जाएगा। अच्छा, तो मतलब पिलियन को उठाना नहीं पड़ता? पिलियन को उठाना नहीं पड़ेगा, ये बहुत अच्छा है इसमें फीचर दिया है जी जी जी। और इंजन भी थोड़ा एनहेंस्ड लग रहा है आपको? इंजन अभी बहुत अच्छा है, एकदम ज़्यादा साउंडेबल नहीं है, एकदम नॉइज, साउंड ज़्यादा नॉइज नहीं करता। ये इसमें भी FI सिस्टम दी है। यस, राइट। जिससे कि मतलब फ्यूल एफिशिएंसी 10% तक मतलब थोड़ी बेटर हो जाती है, ऐसा बात है। तो मिस्टर सानू, बाइकर नामा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आप आगे के नोटिफिकेशंस मिस ना करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए बाइकरनामा के साथ, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।